स्वैग से करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत। अपने दिलों को लीजिए थाम और शुरू करते हैं एंटरटेनमेंट का काम। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गोविंदा नाम मेरा। ये मूवी विक्की कौशल, कियारा आडवाणी और भूमि पेडनेकर की है। ये मूवी थ्रिलर सस्पेंस है जो अभी रिलीज हुई है। ये मूवी आपको काफी पसंद आएगी। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है, गोविंदा नाम का लड़का अपनी वाइफ से बात कर रहा था, वो सुसाइड करने की धमकी देता है। एक पागल आदमी आता और कहता है मर जा। और तभी एक कार टकराती है, गोविंदा देखता है उसमें ड्रग था। गोविंदा हमसे कहता है यहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। और सीन पास्ट में जाता है, गोविंदा खुश होता है, उसकी गर्लफ्रेंड सुक्कू साड़ी पहन के आती है और शादी करने के लिए कहती है। और गोविंदा उठता है, वो उसका सपना था। उसकी वाइफ गौरी गोविंदा को लात मार के दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। और गोविंदा के मेड आती है, गोविंदा लड़ाई करता है और चाय बनाने के लिए कहता है। गौरी गोविंदा को ही चाय बनाने के लिए कहती है मेड के लिए भी, और गोविंदा कुछ नहीं कर पाता। और सीन फ्लैशबैक में जाता है, गोविंदा के पापा एक्शन डायरेक्टर थे, उन्हें गोविंदा की माँ जो बैकग्राउंड डांसर थी उनसे प्यार हुआ था। और उनकी डेथ के बाद पता चला गोविंदा के पापा की पहले भी शादी हो रखी थी, और गोविंदा के पापा ने गोविंदा की माँ के नाम पे प्रॉपर्टी कर रखी थी। गोविंदा के पापा के प्रॉपर्टी के नाम पे एक बंगला था जिसका केस गोविंदा सालों से लड़ रहा था। और गोविंदा गौरी से परेशान था, वो उसे मारने के लिए गन भी लाया था लेकिन वो कभी उसे मार नहीं पाया। और गोविंदा का दोस्त उसका वकील था। गोविंदा उसे उसकी माँ की शादी की फोटो दिखाता है और वो फोटो कोर्ट में पेश करते हैं बंगले के लिए। लेकिन गोविंदा के सौतेले भाई का वकील कहता है ये झूठी फोटो है और वो फेक एविडेंस का चार्ज लगाने के लिए कहता है। और गोविंदा का सौतेला भाई प्रोड्यूसर भी लाया था। और शूटिंग की शादी की फोटो देख गोविंदा फंस जाता है। गोविंदा का वकील जज को कहता है ये गरीब है, इसकी माँ व्हील चेयर में है, इसकी वाइफ ने इसकी जिंदगी बर्बाद करने के और डाइवोर्स देने के लिए 2 करोड़ मांग रही है। जज कहता है 2 करोड़ क्यों? गोविंदा का वकील कहता है उसके पापा ने इतना खर्च शादी में किया था। जज गुस्सा होता है और वो कहता है मुझे सारी शादी की रसीदें देखनी है, अगर उसमें गड़बड़ हुई तो दहेज का केस भी होगा। गोविंदा अपने दोस्त पर नाराज होता है गौरी की बात निकालने की वजह से। गोविंदा का दोस्त कहता है उसका एक दोस्त है सैंडी, वो म्यूजिक वीडियो बनाना चाहता है, उसके पापा ड्रग डीलर है, 30 लाख है और 8 लाख डायरेक्टिंग और कोरियोग्राफी के लिए दे रहे हैं, मैंने तेरी बात करी है। गोविंदा खुश होता है। उसके दोस्त को 1 लाख शेयर चाहिए था, 8 लाख में से गोविंदा मानता है। और गोविंदा ने अपनी माँ को कहीं और दूसरे घर में रख रखा था। गोविंदा उन्हें छोड़ता है और जब गोविंदा की माँ घर में आती है वो खड़ी हो जाती है, वो पैरालाइज होने का नाटक कर रही थी और बंगले के लिए। बाद में गोविंदा कहता है आपकी शादी सच में हुई भी थी? उसकी माँ कहती है हाँ, फिल्म सिटी में। और गोविंदा की GF और वो बैकग्राउंड डांसर थे, वो कोरियोग्राफी का काम कराना चाहते थे। हमें रणबीर का कैमियो दिखता है, वो कहता है टच में रहना। और गोविंदा की वाइफ गौरी वीडियो कॉल करती है और बर्फ लाने के लिए कहती है। गोविंदा कहता है घर में क्यों नहीं जमाती? गौरी कहती तेरी इज्जत जमाऊं, तेरी गर्लफ्रेंड के सामने चुपचाप लेकर आ। सुक्कू कहती है तुम अपनी वाइफ से इतना डरते क्यों हो? गोविंदा बर्फ लेके जाता है और जावेद नाम का आदमी आता है जिसने गोविंदा को गन दी थी। वो गन 2 लाख की थी, गोविंदा ने 20,000 ही दिए थे। वो पैसे मांगता है, गोविंदा गन वापस लेने के लिए कहता है, जावेद नहीं मानता, उसे पैसे ही चाहिए थे। गोविंदा ने गौरी के कंगन भी दिए थे जावेद को। जावेद 2 हफ्ते का टाइम देता है और गोविंदा घर जाता है। गौरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी जो इंश्योरेंस एजेंट था। गौरी अपने बॉयफ्रेंड के सामने गोविंदा से डांस करवाती है, वो अपनी वाइफ को मारना चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। और गोविंदा का दोस्त गोविंदा और सुक्को को सैंडी के पास ले जाता है। सैंडी को सिंगर बनना था, उसके पापा को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, वो बस लास्ट मौका दे रहे थे। गोविंदा खुश था। उसका दोस्त कहता है मैंने तेरे भाई के वकील से बात की आउट ऑफ कोर्ट चीज सेटल करने के लिए, 7 करोड़ की डिमांड रखी है बंगले के बदले। और सुक्को गोविंदा की माँ के लिए फूल लाई थी अपने हाथों से बना के। उसकी माँ थूकती और घटिया कहती है, सुक्को नाराज होती है। और सीन गोविंदा के भाई पे शिफ्ट होता है, वो बिल्डर को बंगला बेचने वाला था, उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और गोविंदा का भाई सेटलमेंट के लिए आता है, उसका वकील बताता है हम 2 घर वकील की फीस और गोविंदा के लिए नाइकी के जूते और उसकी माँ के लिए इलेक्ट्रिक व्हील चेयर देने के लिए तैयार है। गोविंदा अपने सौतेले भाई को मारने लगता है और वो बाद में बहुत उदास था। वो घर जाता है, जावेद आया था, वो गौरी को सच बताता है, कंगन दिखा के गौरी गोविंदा को मारती है। जावेद पैसे मांगता है, गोविंदा कहता है उसे काम मिला है, पैसे आते ही दे देगा। जावेद 20,000 मांगता है, गौरी कहती कैश नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है ऑनलाइन पे कर सकती हो। गौरी को गुस्सा आता है, वो पेमेंट करती है और बाद में गौरी गोविंदा को मारती है। गोविंदा टेंशन में था, उसका दोस्त बताता है। और गोविंदा म्यूजिक वीडियो शूट करवाता है, सैंडी के पापा को वीडियो देख के गुस्सा आता है क्योंकि उसमें सैंडी बहुत कम क्लिप्स में था, गोविंदा और सुक्कू ज़्यादा थे। सुक्कू कहती है ये पूरे टाइम नशे में था, बड़ी मुश्किल से इतना करवाया है। सैंडी के पापा पैसे वापस मांगते 30 लाख जो खर्चा हुए थे। गोविंदा अपनी फीस मांगता है, उसे पैसों की जरूरत थी। सैंडी के पापा गुंडों के जरिए गोविंदा को बाहर फिकवाते हैं और पिटवाते हैं और पैसे वापस देने के लिए टाइम देते हैं। सुक्कू भी गोविंदा को सुनाती है क्योंकि गोविंदा उसे शादी नहीं कर रहा था और वो उससे ब्रेकअप करती है। और गोविंदा गौरी से बात करने जाता है लेकिन गौरी गेट भी नहीं खोलती और गोविंदा उदास था। जावेद भी उसे धमकी देता है और सीन स्टार्ट के सीन पे आता है, गोविंदा सुसाइड करने की धमकी देता है गौरी को।
तभी सैंडी की कार आके टकराती है। सैंडी बेहोश था, गोविंदा ड्रग्स देखता है, वो सुक्कू को बुलाता है। सुक्कू कहती कम से कम 4-5 करोड़ का माल होगा, इससे तुम गौरी को डाइवोर्स भी दे दोगे और हम नई लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे। गोविंदा और सुक्कू ड्रग लेके जाते हैं, वो घर जाते हैं, तभी वो गौरी की लाश देखते हैं। सुक्कू कहता है इसे तुमने मारा, गोविंदा कहता नहीं, और दोनों टेंशन में आते हैं। सुक्कू कहती है हम दोनों का अफेयर है, हमारे पास ड्रग है और तुम्हारी वाइफ की डेथ, हम बहुत बुरा फंसेंगे, लाश को ठिकाने लगाना होगा पहले। और गोविंदा लाश गाड़ता है गौरी की और सुक्कू सबूत छुपाते। और अगले दिन गोविंदा मेट से प्यार से बात करता है, मेट गौरी पे फ़ोन करती है, फ़ोन सुक्कू के पास था वो नहीं उठाती, और गोविंदा सुक्कू को बताता है मेट को शक हो गया है। और हमें पता चलता है सुक्कू गोविंदा के सौतेले भाई के साथ थी, गोविंदा के भाई ने सुक्कू को पैसे दिए थे, गोविंदा की गर्लफ्रेंड बनके नाटक करने के लिए उससे वो बंगला चाहिए था, और इसीलिए सुक्कू गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर रही थी, क्योंकि गोविंदा का भाई 1 करोड़ और 3 BHK का फ्लैट देने वाला था। काम होने के बाद सुक्कू गोविंदा के भाई से कहती है तुमने उसे मारा, गोविंदा का भाई कहता है नहीं मैं उसे क्यों मारूंगा, मुझे बस प्रॉपर्टी चाहिए। सुक्कू डरी हुई थी, वो भी गोविंदा के साथ फंस गई थी। और मेड को एक ग्लास का टुकड़ा मिलता है जिस पे खून लगा था, और सीन शिफ्ट होता है, सैंडी अपने पापा को बताता है उसके पापा का माल चोरी हो गया, और सीन पास्ट में जाता है। सैंडी को फोन आता है, एक आदमी उसे कहता है कब तक अपने पापा से भीख मांगेगा म्यूजिक वीडियो के लिए, मुझे अपने पापा का माल दे, मैं तुझे बहुत पैसा देता हूँ। और तभी सैंडी गया था, सीन प्रेजेंट में आता है, सैंडी के पापा उसे मारते हैं और माल के बारे में पूछते हैं। और सुक्कू गोविंदा के दोस्त के पास जाती है और गौरी की डेथ के बारे में बताती है, और मेड पुलिस स्टेशन जाती है, हमें पता चलता है जावेद पुलिस ऑफिसर था, और मेड ग्लास का टुकड़ा देती है और कहती है गोविंदा ने अपनी वाइफ का खून कर दिया, जावेद गोविंदा को जानता था इसलिए वो मेड को वापस भेजता है। और मेड सुक्कू को बताती है, सुक्कू डरती है, और हमें पता चलता है सुक्कू मेड से मिली हुई थी, मेड ने ही सुक्कू को बताया था जो गोविंदा कोर्ट में फोटो पेश करने वाला था, वो शूटिंग की शादी थी। गोविंदा का दोस्त गोविंदा से कहता है तूने ये क्या कर दिया, गोविंदा कहता है मैं कैसे कर सकता हूँ, और गोविंदा का दोस्त सोचता है और कहता है मैं 2 करोड़ में अपने भाई को बंगला भेज दूँ, गोविंदा कहता है ये बहुत कम है, गोविंदा ने गौरी की लाश वहीं गाड़ी थी। गोविंदा का दोस्त कहता है तो सारी परेशानी उससे बच के दूर नई लाइफ स्टार्ट कर सकता है। गोविंदा मानता है और मेड गौरी के बॉयफ्रेंड को भी मर्डर वाली बात बताती है। गौरी का बॉयफ्रेंड गोविंदा को फोन करता और कहता है लाश कहाँ छुपाई, गोविंदा डरता है, गौरी का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए बुलाता है, और गोविंदा जा ही रहा था, सैंडी आता है और कहता है पैकेट वापस दे, गोविंदा डरते हुए भागता है, सैंडी पकड़ता है और कहता है पैकेट वापस दे जो मैंने तुझे दिया था। गोविंदा को याद आता है रिहर्सल में सैंडी ने ड्रग्स का एक छोटा पैकेट दिया था, गोविंदा देता है, सैंडी कहता है तू भाग क्यों रहा था, गोविंदा कहता है तुम्हारे पापा ने मुझे मारा था इसलिए डरा हुआ था। और गोविंदा गौरी के बॉयफ्रेंड के पास जाता है, उसका बॉयफ्रेंड कहता है तुम्हारी वाइफ ने 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखा था, मुझे 1 करोड़ चाहिए, बाकी के पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, बस डेड बॉडी है ना, गोविंदा कहता हाँ, और वो पैसों के लिए मानता है। और वो पूछता है तुम गौरी से प्यार करते थे क्या, गौरी का बॉयफ्रेंड कहता है नहीं, और गोविंदा का भाई उसने अपने 20 करोड़ फंसा रखे थे, वो बड़े प्रोजेक्ट में था 150 करोड़ के, इसीलिए उसे प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो डीलर से 2 करोड़ लेता और गोविंदा को देता है। और बाद में गोविंदा का भाई सैंडी के पापा को बता देता है ड्रग्स गोविंदा के पास है, सैंडी के पापा जावेद को फ़ोन करके गोविंदा को अरेस्ट करवाते हैं, और गोविंदा के घर में ड्रग्स नहीं मिलते, जावेद उसे बहुत मारता है, सैंडी के पापा भी आते हैं, गोविंदा कहता है मुझे कुछ नहीं पता। और सुक्कू मेड को एक वीडियो देती है पुलिस को दिखाने के लिए, मेड दिखाती है उस वीडियो में गोविंदा गौरी को मार रहा था, लेकिन गोविंदा सच बताता है ये गौरी की फैंटेसी थी, वो बस नाटक कर रहा था। गोविंदा कहता है मुझे ब्लैकमेल कर रही है, जावेद कहता है कौन, गोविंदा कहता है सुक्कू, मेड डरती है जावेद को। गोविंदा और सुक्कू के अफेयर के बारे में पता चलता है, जावेद को सुक्कू के घर में ड्रग्स मिल जाते हैं लेकिन 750 ग्राम में से सिर्फ 250 ग्राम। गोविंदा कहता है सुक्कू ने कुछ नहीं किया, सुक्कू कहती है हाँ गोविंदा ने किया है, उसने अपनी वाइफ का मर्डर भी किया है, वो उसे लोकेशन पे ले जाती है लेकिन वहाँ गौरी की लाश नहीं थी, और सबूत भी जो सुक्कू ने छुपाया था वो भी गायब थे। सुक्कू हैरान होती है और वो कहती है गौरी के बॉयफ्रेंड को सब पता है, जावेद उसे बुलाता है, गौरी का बॉयफ्रेंड अनजान बनने का नाटक करता है, वो कहता है अगर वो मरी होती तो बॉडी हमें दे देना, एग्जामिन करने के लिए उन्होंने 10 लाख इंश्योरेंस करवा रखा था। सुक्कू और हैरान होती है और कहती है 2 करोड़ का था, गौरी का बॉयफ्रेंड हंसता है और कहता है 2 करोड़ का इंश्योरेंस अनएम्प्लॉय को कैसे मिल सकता है। और गोविंदा का दोस्त गोविंदा की बेल करवाता है और वो बताता है गौरी और गोविंदा का डाइवोर्स हो गया था पिछले हफ्ते और गौरी जा चुकी थी। सुक्कू हैरान होती है और कहती है सर ये मुझे फंसा रहे हैं, और गोविंदा सुक्कू के पास जाता है और कहता है मैं तुझे बचाने आया हूँ, बस इतना कहना कमिश्नर को कि मेरे घर से मिले ड्रग्स सैंपल की जांच कर लो और जावेद और सैंडी के पापा के घर की तलाशी ले। और सुक्कू यही करती है, सैंडी के पापा के घर की तलाशी होती है, सैंडी खुशी खुशी ड्रग दिखाता है जो वो लेकर आया था, और जावेद के घर से भी ड्रग मिलता है, और जो सुक्कू के घर से ड्रग मिला था वो नकली था जो शूटिंग में काम आता था,
और सुक्कू बचाती है सैंडी के पापा और जावेद फंसते हैं। सुक्कू गोविंदा के घर जाते हैं लेकिन गोविंदा और उसकी फैमिली भाग गई थी। सुक्कू गोविंदा के भाई के पास जाती है और सब बताती है। गोविंदा का भाई कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं, सब भूल जाओ। सुक्कू कहती है, लेकिन उसका मर्डर क्या है? गोविंदा का भाई कहता है, डीलर से डील होने के बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा वादे के हिसाब से। और गोविंदा का बंगला सील होता है। गोविंदा का भाई कहता है, ये बंगला हमारे नाम पर है। ऑफिसर कहता है, ये बीएमसी की प्रॉपर्टी है। गोविंदा के पापा ने ऑफिसर को घूस देकर ली थी लेकिन बीएमसी ये केस जीत गया, ये स्कूल बनाने के लिए प्रॉपर्टी है अब। और गोविंदा का भाई हैरान होता है, वो सारे ऑफिसर से बात करता है, सब यही कहते हैं। सुक्कू समझ जाती है, गरु का बॉयफ्रेंड भी भाग गया था। और कुछ महीने बाद डीलर गोविंदा के भाई से पैसे मांगता है, धमकी देता है और गोविंदा के भाई को फ़ोन आता है और सुक्कू को भी फ़ोन आता है। सब थाईलैंड जाते हैं। गोविंदा उनसे मिलता है और कहता है, तुम सब लोग कन्फ्यूज हो गए तो अभी सच बताने के लिए बुलाया। और सीन फ्लैशबैक में जाता है, गोविंदा को बीएमसी के लेटर आया था, उसे पहले ही पता चल गया था ये ज़मीन बीएमसी की है। और शूटिंग की शादी के बाद कोर्ट में आने के बाद गोविंदा को मेड पे शक था, वो मेड का पीछा करता है और उसे सुक्कू के बारे में पता चलता है कि मेड सुक्कू से मिली हुई है। और सीन प्रेजेंट में आता है, गोविंदा कहता है, फिर मैंने प्लान बनाया। और गोविंदा की माँ आती है, उसे चलते देख सब हैरान होते हैं। गोविंदा कहता है, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता था। सुक्कू कहती है, तुमने अपनी वाइफ का मर्डर किया है। गौरी आती है, सब और हैरान होते हैं। और सीन पास्ट में जाता है, सब गोविंदा का प्लान था, उसने ही सैंडी को फ़ोन किया था और ड्रग लेके बुलाया था। वो उसे बेहोश करने वाला था लेकिन सैंडी खुद बेहोश हो गया था और गोविंदा ने अपनी माँ के जरिए जावेद के घर ड्रग्स रखवाए थे। और बाकी ड्रग गोविंदा ने सैंडी को 5 करोड़ में वापस बेच दिया था। और गौरी को सच में गोविंदा की फिक्र थी, तभी उसे 2 करोड़ का इंश्योरेंस करवा रखा था। और सीन प्रेजेंट में आता है, सुक्कू कहती है, तुम्हारा तो डाइवर्स हो गया था ना। गौरी कहती है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। और सुक्कू और गोविंदा की सौतेली माँ और भाई में बहस होती है और गोविंदा ने उनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।